हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल द इंग्लिश आउल। आप सब जानते हैं कि यूपी रेट का पेपर पोस्टपोन हो चुका है और यूपी रेट के पेपर का अभी ये लास्ट में यही पता चला कि चीफ मिनिस्टर ने बोला है कि शायद इसी मंथ के एंड में पेपर कंडक्ट हो जाएगा, क्योंकि बाद में पोस्टपोन करते करते फिर वो कहाँ तक एक्सटेंड होगा पता नहीं है। सो ये मान के चल सकते हैं कि पेपर जो है वो इसी मंथ के अंदर अंदर हो जाएगा। लेकिन सीटेट का जो एग्जाम है उसका भी हमें पता है कि उसकी डेट्स आ चुकी हैं, क्योंकि सीटेट का पेपर जो है वो हमारा 16 दिसंबर से लेकर जनवरी में जितने भी अलग अलग लगेंगे सेशंस लगेंगे, अलग अलग क्लासेस लगेंगी, उसके हिसाब से अलग अलग टाइम पीरियड में आपको मिलेगा। वो आपको एडमिट कार्ड में पता चल जाएगा कि किस हिसाब से आपको मिलने वाला है, अपना पेपर का सेंटर कहाँ पड़ेगा और किस टाइम पे मिलेगा वो आपको पता चल ही जाएगा। सो आज हमें क्या डिस्कस करना है, सीडीपी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। सीडीपी जो है उसका ये वाला जो टॉपिक है वो आपको हर पेपर में मिल जाएगा, चाहे वो सीटेट हो, यूपी टेट हो या कोई भी टेट एग्जाम हो, यूके टेट हो गया, एच टेट हो गया। सो हम कह सकते हैं कि ये टॉपिक जो है ये आपके लिए हर जगह रेलेवेंट है। हमारी कोशिश ये चल रही है कि इस टाइम पे हम कोशिश ये करेंगे कि जैसे जैसे सीटेट पास आता है हम थोड़े से प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करें और साथ साथ अपनी जो सीटेट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसको डिस्कस करें। जितने टॉपिक्स डिस्कस होंगे वो आपके लिए बेहतर रहेंगे, क्योंकि आप डेफिनेटली उसको रिलेट करके पढ़ के समझ के और फिर पेपर दे सकते हैं। हमारी तरफ से यही मेहनत रहेगी कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे नंबर आए और हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ ला के आपको दिखा सकें। और अगर आपको हमारी वीडियोज़ अच्छी लगें तो प्लीज़ उसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहें, हमें भी मोटिवेशन मिलती है। और इसके साथ साथ जिन लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगती है तो वो उन लोगों के साथ शेयर करें जो उनको लगता है जिनके काम आ सकती है। आज की हमें वीडियो में डिस्कशन करनी है चाइल्डहुड की स्टेज के बारे में। तो चाइल्डहुड में हमने अभी तक हमने चाइल्डहुड डिस्कस नहीं किया, इससे पहले हमने दो स्टेजेस डिस्कस करी हुई हैं। पहली हमने पढ़ी थी प्रीनेटल यानी कि प्रसव पूर्वावस्था, उसके बाद हमने डिस्कस करी थी हमारी जो उसके इन्फेंसी की स्टेज है यानी कि शैशवावस्था। सो आज जो हमें डिस्कस करना है वो है चाइल्डहुड यानी कि बाल्यावस्था। चाइल्डहुड एक बहुत ही बड़ी स्टेज है, इतनी बड़ी स्टेज इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसके तीन तो सब कैटेगरीज हैं, अर्ली चाइल्डहुड, मिडल एंड लेट चाइल्डहुड। मैं इसको अर्ली चाइल्डहुड अलग से कवर करा के और मिडल और लेट चाइल्डहुड को साथ में कवर कराऊंगी। और चाइल्डहुड का जो ड्यूरेशन है ये 3 साल से 12 साल की उम्र के बीच में है। इसको हम 3 हिस्सों में क्यों स्टडी करते हैं, क्योंकि ये एक बहुत ज्यादा ऐसी स्टेज है जिसमें अलग अलग चेंजेस आ रहे हैं बॉडी में, और इस पर्टिकुलर स्टेज में आपको कई सारे टर्म्स मिलेंगे। कि जैसे हमने इन्फेंसी में पढ़ा था कि इन्फेंसी का दूसरा नाम है टॉय एज या इमिटेटिव एज, ऐसे ही इसके भी अलग अलग नाम हम पढ़ेंगे और क्यों उसको ऐसे नाम से जाना जाता है ये भी हम जानेंगे। अर्ली चाइल्डहुड, तो अर्ली चाइल्डहुड में हम पहली चीज जो पढ़ने वाले हैं वो है फिजिकल डेवलपमेंट। आप ये जानते हैं कि विकास यानी कि जो डेवलपमेंट है उसमें 3 डोमेन्स आते हैं, यानी कि फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट और साइकोमोटर डेवलपमेंट यानी कि सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट। तो ये तीनों चीजें आ जाती है हमारी डेवलपमेंट में। इस वीडियो में हम लोग अर्ली चाइल्डहुड डिस्कस कर रहे हैं तो हम स्टार्ट करेंगे फिजिकल डेवलपमेंट से, और फिजिकल डेवलपमेंट यानी कि शारीरिक विकास से। Height and weight, the growth rate slows. The average child in this stage grows 21 by 2 inches in height and 2 to 3 kgs per year. मतलब कि जो बच्चा है वो अराउंड 21 by 2 यानी कि 10.5 inch in height के हिसाब से और 2 से 3 kilo हर साल के rate पर बढ़ता है। The body fat declines during the preschool years. अब जब छोटा बच्चा होता है तो वो बहुत चबी सा होता है, उसके गाल भी और बॉडी में अलग अलग जगह पे आपको दिखेगा फैट अक्यूमुलेटेड है। लेकिन जब वो बच्चा अर्ली चाइल्डहुड की स्टेज में आता है यानी कि 3 साल की उम्र में, अब यहाँ पे हम अर्ली चाइल्डहुड डिस्कस कर रहे हैं ना, तो हम यहाँ पे किस कैटेगरी में बच्चों की बात कर रहे होंगे, जो बच्चे 3 साल से 6 साल के बीच में है, तो हम इसके इन उम्र के बच्चों के बारे में बात कर रहे हैं। तो जो लगभग 3 साल से 6 साल का बच्चा होता है उसका जो बॉडी फैट है वो धीरे धीरे टाइम के साथ डिक्लाइन हो जाएगा यानी कि कम हो जाएगा। और इसके साथ ग्रॉस मोटर स्किल्स, आपको पता है कि फिजिकल डेवलपमेंट में ही मोटर स्किल्स भी हम डिस्कस करते हैं। तो मोटर स्किल्स क्या होते हैं, 2 तरह के मोटर स्किल्स होते हैं, एक होते हैं ग्रॉस मोटर स्किल्स और एक होते हैं फाइन मोटर स्किल्स। इसके बारे में आपको चाइल्डहुड की जो पहले वाली वीडियो थी उसमें मैंने बताया था कि ग्रॉस मोटर स्किल्स क्या होते हैं और फाइन मोटर स्किल्स क्या होते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी अभी तक तो प्लीज उसको जाकर एक बार देखिए, पर मैं आपको इसमें भी बता देती हूँ कि ग्रॉस मोटर स्किल्स क्या होते हैं। ग्रॉस मोटर स्किल्स आर दो स्किल्स, ये वो स्किल्स हैं जिसमें आप अपने
अपने बॉडी के बड़े बड़े मसल्स को बड़ी बड़ी हैंड मूवमेंट्स कर सकते हो या अपने बड़े मसल्स को बड़े मांसपेशियों को मूव करते हो। और फाइन मोटर स्किल्स वो स्किल्स होते हैं जिसमें आप अपनी बॉडी के छोटे मसल्स को यूज करते हो। तो ग्रॉस मोटर स्किल्स में अगर आप बड़े मसल्स के बारे में बात कर रहे हो तो बड़े मसल्स कहाँ होंगे? हमारे हाथों में और हमारे पैरों में, ठीक है। तो यहाँ पे हम बड़े मसल्स की मूवमेंट की बात कर रहे हैं। अब हम इनसे क्या करते हैं, रनिंग। इसमें हमें रनिंग में हमें लेग्स की जरूरत होती है जिसमें हमारे बड़े मसल्स हैं। स्किपिंग में, स्किपिंग जैसी चीजों में, फिजिकल एक्टिविटी में भी हमें मोटर ग्रॉस मोटर स्किल्स चाहिए। ऐसे ही जंपिंग में। सो इस उम्र के बच्चे स्किपिंग जंपिंग ये सब चीजें कर लेते हैं आसानी से और उनका कोऑर्डिनेशन भी डेवलप हो जाता है, मतलब कि उनका तालमेल डेवलप हो जाता है आंखों के और जो उनके मसल उनका हाथ पैर इन सबके बीच में तालमेल डेवलप कर लेते हैं, इसीलिए वो आसानी से स्किपिंग रनिंग जंपिंग जैसी एक्टिविटीज कर सकते हैं। फाइन मोटर स्किल्स की अगर हम बात करें तो ये वो स्किल्स हैं जो जिसमें आपके छोटे मसल यूज हो रहे हैं। जैसे कि ये पेन है तो मैं पेन से लिख रही हूँ, इसमें मेरा छोटा मसल यूज हुआ, मेरे हाथों में जो मसल्स छोटे वाले हैं वो मसल्स यूज हुए। इसके अलावा अपने शूलेस बांधना, अपने शूलेस बच्चा बांधना सीख जाता है। अब आप ये जान सकते हैं, आपने मूवी देखी होगी तारे जमीन पर, तो उसमें वो एक सीन आता है जब वो बोलते हैं कि क्या वो अपने शूलेस टाई करने में दिक्कत दिखाता है। तो शूलेस टाई करने वाला जो उम्र है वो यही है 3 to 6, इसमें बच्चा सीख जाता है। तो अगर बच्चों को सीखने में दिक्कत हो रही है तो कहीं ना कहीं वो इंडिकेट कर सकता है कि उस बच्चे में इनकी डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हुई, जो कि किसी तरह की लर्निंग डिसेबिलिटी की तरफ इशारा कर सकती है। जैसे कि उस मूवी में वो एक लर्निंग डिसेबिलिटी थी उस बच्चे को जिसका नाम था डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया ये बीमारी होती है जिसमें आप रीडिंग की दिक्कत दिखाते हो, दिमाग में प्रोसेसिंग की दिक्कत होती है। सो डिसलेक्सिया वाली दिक्कत वाले बच्चे जो होते हैं उनको शूलेस टाई करने में दिक्कत आती है। अब आप ये नहीं कहोगे कि हाँ भाई हमारे घर में जो बच्चा है वो अपनी शूलेस टाई नहीं कर सकता तो उसको डिसलेक्सिया होगा, ऐसा नहीं होता। हर बच्चा अपने अपने पेस से डेवलप करता है, लेकिन लगभग ज्यादातर बच्चों में ऐसा पैटर्न हमें दिखता है कि बच्चा लिखना शुरू कर देता है और चाहे गंदा ही लिखे पर अपने हाथों से स्क्रिबलिंग करेगा या कुछ भी लिखेगा। सो राइटिंग शुरू कर देगा, ड्राइंग शुरू कर देगा, अपने शूलेस को टाई करना सीख जाएगा और अपने छोटे छोटे मसल्स को मूव करना शुरू हो जाएगा। सो फाइन और ग्रॉस मोटर स्किल्स कवर्ड हो गए। उसके बाद आती है हेल्थ। अब हेल्थ वाला टॉपिक मैंने और किसी वीडियो में नहीं डाला। मैं क्यों डाल रही हूँ इसमें, क्योंकि जो चाइल्डहुड का पीरियड है उसमें बच्चों की हेल्थ को लेके बहुत ज्यादा कंसर्न रहता है। बहुत सारी एड्स भी आती है टीवी में, जैसे ORS ऐसी ऐसी एड्स आती है छोटे बच्चों से रिलेटेड, जैसे पोलियो ड्रॉप्स भी इसी एज में बच्चों को देते हैं, मतलब 6 साल तक बच्चों को दिया जाता है। तो बहुत ज्यादा हेल्थ से रिलेटेड कंसर्न इस उम्र के बच्चों को रहता है। हेल्थ से रिलेटेड जो कंसर्न है उसमें बहुत ज्यादा जो कॉमन चीजें हैं वो है कोल्ड और कफ। सो कोल्ड और कफ जो होती है ऐसी दिक्कतें बच्चों में लगी रहती हैं, खास करके छोटे बच्चों में। स्टमक एक्स हो सकते हैं, रेस्पिरेटरी एलिमेंट्स। ऐसा इसलिए होता है कि बच्चों में कोल्ड और कफ की दिक्कत चलती रहती है क्योंकि जो इस एज में जो बच्चा है वो उसका जो लंग होता है वो पूरी तरह से डेवलप नहीं होता, जो उनके फेफड़े हैं वो अच्छे से डेवलप नहीं होते, जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम जैसे कि कफ, कोल्ड, सर्दी जुकाम लगा रहता है बच्चों में। इसका एक और रीजन, ये तो हमने एक रीजन देख लिया, इसका एक और रीजन है कि बच्चों को क्यों दिक्कतें रहती है चाइल्डहुड में, हेल्थ से रिलेटेड कंसर्न्स क्यों रहते हैं। तो उसका ये रीजन है कि यहाँ पर फैमिली स्ट्रेस आ जाता है। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो कि बहुत ज्यादा अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टांसेस में पैदा होते हैं, शायद वो गरीब खानदान से बिलोंग करें, पॉवर्टी वाले एरिया में रहते हैं, या फिर उनके फैमिली में जो मदर एंड फादर हैं उनके बीच में बनती नहीं है या किसी फैमिली मेंबर के बीच में नहीं बनती। तो ऐसे अनफॉर्चुनेट सिचुएशंस में भी क्या होता है, बच्चे की हेल्थ इंपैक्ट हो जाती है। सो यहाँ पर भी हम कह सकते हैं बच्चों का रिस्क हो जाता है हेल्थ से रिलेटेड। जैसे कि आप यहाँ पर ये देख सकते हैं आर्टिकल, तो बच्चे की हेल्थ के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है कि अराउंड 20,000 बच्चे मरते हैं ईच डे। क्यों मरते हैं? बिकॉज पॉवर्टी की वजह से क्या होगा, खाने को नहीं मिलेगा, बेरोजगारी और बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी पैदा हो जाती है पॉवर्टी की वजह से, जिसकी वजह से जो बच्चे हैं वो मैलनरिज्ड हो जाते हैं या उनकी जो हेल्थ है वो ओवरऑल हेल्थ जो होती है वो खराब हो जाती है। इसके बाद आती है एक और चीज, मेजोरिटी ऑफ डेथ्स ड्यूरिंग द अर्ली चाइल्डहुड आर ड्यू टू द एक्सीडेंटल इंजरीज एंड इलनेसेस। कुछ तो रीजन हो गया हमारी जो हेल्थ है ओवरऑल, क्योंकि हमारा जो कफ एंड कोल्ड जो लगा रहता है वो तो एक रीजन है ही। इसके अलावा दूसरा रीजन हो गया, मैंने आपको बता दिया कि गरीबी, और तीसरा रीजन है इस उम्र के बच्चे बहुत ज्यादा एक्सीडेंटल इंजरीज इनके साथ होती हैं। जैसे कि आपने कई ऐसे केसेस सुने होंगे कि बच्चा गाड़ी के आगे आ गया, स्कूटर के आगे आ गया, ऐसे वाले केसेस भी आपने सुने होंगे, एक्सीडेंट हो गया,
ऐसी वाली सिचुएशंस भी हो जाती हैं, तो इस उम्र में डेथ रेट बहुत ज्यादा है, चाइल्डहुड के पीरियड में बहुत ज्यादा डेथ रेट है। अब आपने केस सुना होगा इस बच्चे के बारे में, प्रद्युम्न ठाकुर, इसके बारे में था, ये सेकंड क्लास का बच्चा था और इस बच्चे के जो रायन इंटरनेशनल स्कूल का बच्चा था। तो इस केस में क्या हुआ था कि स्कूल का जो कंडक्टर था उसमें शक जा रहा था सबका कि उसने मर्डर किया बच्चे का। बाद में किसी एक 11th क्लास के बच्चे पर चला गया था केस कि उस 11वीं कक्षा के बच्चे ने क्या किया था, उस बच्चे को पेपर, क्योंकि उसको पेपर था उस दिन तो उसको पेपर कैंसिल करवाना था, इसलिए उसने उस बच्चे को मार दिया। ऐसे ऐसे केसेस भी आ जाते हैं टीवी पे। सो ये इससे मेन आइडिया देने का ये है, इससे मैं क्यों डाला मैंने ये आर्टिकल और क्यों मैं आपको बता रही हूँ कि इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि अगर पेपर में आ जाए किस उम्र के बच्चे सबसे ज्यादा डेथ रेट में है, तो ये चाइल्डहुड का पीरियड है। इसमें सबसे ज्यादा बच्चे जो है वो सिकनेस से या अलग अलग एक्सीडेंटल एक्सीडेंट्स हो जाते हैं या अलग अलग रीजंस की वजह से, पॉवर्टी की वजह से उनका डेथ रेट बहुत ज्यादा हाई है। अगर हम बात करें संज्ञानात्मक विकास की, यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, तो संज्ञानात्मक विकास होता है एज के साथ। अब आप क्योंकि हम लोग प्याजे की थ्योरी अभी हमने स्टार्ट नहीं करी, सो इसलिए मैं आपको इतना डिटेल में तो नहीं बता पाऊंगी कि प्री ऑपरेशनल स्टेज क्या होता है, क्योंकि वो अपने आप में इतनी बड़ी स्टेज है कि उसमें पूरे एक वीडियो लग जाएगी। सो इसीलिए अभी आपको अगर मैं थोड़ा सा हिंट दूं कि ये क्या स्टेज है, सो इसमें क्या होता है, प्री ऑपरेशनल स्टेज में हमारा लॉजिक बहुत ज्यादा डेवलप नहीं होता और हम लोग कुछ कुछ चीजें दिखाते हैं। जैसे बच्चे जो होते हैं वो जैसे बचपन में तो खाली हाथ पैर हिलाते थे और अपने सेंसेस पे रिलाई करते थे, लेकिन इस स्टेज में जो बच्चा है वो उससे थोड़ा ज्यादा उसका डेवलपमेंट हो चुका है और अब वो कुछ कुछ चीजें समझने लगा है, लेकिन अभी भी वो लॉजिकल नहीं होता, लॉजिक नहीं लगा पाता। ये मैं कौन से पीरियड की बात कर रही हूँ, ये मैं बात कर रही हूँ अर्ली चाइल्डहुड की, ये अर्ली चाइल्डहुड की बात हो रही है जिसमें बच्चे का लॉजिक अभी थोड़ा सा कम है। प्याजे रेफर टू द कॉग्निटिव डेवलपमेंट अकरिंग ड्यूरिंग द एजेस ऑफ 2 to 7, यानी कि अर्ली चाइल्डहुड के पीरियड को ही उसने प्री ऑपरेशनल स्टेज कहा है। इट इज द मोस्ट सेंसिटिव पीरियड ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, इसको बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये लैंग्वेज डेवलपमेंट की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चरण है। अगर पेपर में आए कि कौन सी स्टेज है जिसमें लैंग्वेज सबसे ज्यादा डेवलप करती है, तो वो ये वाली स्टेज होगी, अर्ली चाइल्डहुड की स्टेज होगी। लैंग्वेज इज एन आउटग्रोथ ऑफ द चाइल्ड्स एबिलिटी टू यूज सिंबल्स। अब ये वाली जो स्टेज है, मैंने आपको बताया कि ये प्री ऑपरेशनल स्टेज होती है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की। सो इस स्टेज में जो बच्चा होता है ना, वो सिंबल्स के थ्रू सीखता है, वो एबिलिटी उसके अंदर डेवलप हो जाती है कि वो सिंबल से रिलेट कर सके। जैसे कि ए फॉर एप्पल, तो उनको पता है ए से क्या होता है, एप्पल, एप्पल को और ए को लिंक कर देंगे, सिंबल्स बना लेंगे हर वर्ड के लिए। इसीलिए इस उम्र में जो ये वाला अर्ली चाइल्डहुड का पीरियड है, इसी को कहा गया है एक ऐसी स्टेज जिसमें आप लैंग्वेज का डेवलपमेंट बहुत ज्यादा देखोगे, क्योंकि बच्चा जो चीजों को रिलेट कर सकता है, रिप्रेजेंट कर सकता है कि ए है तो ए से क्या होता है, एप्पल, बी है से बी से होता है बॉल, तो वो रिलेट कर रहे हैं, रिप्रेजेंटेशनल थिंकिंग डेवलप हो रही है बच्चों में। चिल्ड्रन ऑल्सो एक्वायर एंड रिफाइन लैंग्वेज स्किल्स, उनके अंदर भाषा के जो कौशल हैं वो भी डेवलप हो जाते हैं, लैंग्वेज के स्किल्स भी डेवलप हो जाते हैं। द मोर वर्ड्स अ चाइल्ड यूज इन द सेंटेंस द मोर सोफिस्टिकेटेड द चाइल्ड लैंग्वेज डेवलपमेंट, मतलब कि जितना ज्यादा बच्चा अपने लैंग्वेज में डेली यूज में लैंग्वेज को देखता है, उतना ज्यादा उसकी लैंग्वेज डेवलपमेंट शुरू होती है। अब आप इसका एक केस देख सकते हैं, अगर आपके घर में, आपके पेरेंट्स में मम्मी की साइड जो है वो अलग तरह की भाषा यूज करती है और पापा की साइड जो है वो अलग भाषा यूज करते हैं, तो जो बच्चा होगा वो दोनों भाषाओं को सीख जाएगा। क्यों? क्योंकि वो दोनों भाषा का एनरिच्ड एनवायरनमेंट उसको घर में मिल गया, और क्योंकि लैंग्वेज सीखने की सबसे बेस्ट और सबसे सेंसिटिव एज है, मतलब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेज है, तो बच्चा अगर मल्टीपल मल्टीलिंगुअल सिचुएशन में, जहाँ पे बहुत अलग अलग लैंग्वेजेस वो सुन रहा है, तो उसकी लैंग्वेज डेवलपमेंट अच्छे से हो जाएगी इस स्टेज में। और अगर आप ऐसे हैं कि आप लोगों को बुक्स पढ़ने का बहुत शौक है या आप लोग इंग्लिश की बहुत चीजें देखते हैं और आपका एक घर में ऐसा एटमॉस्फेयर है कि लैंग्वेज को लेकर बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है, तो बच्चे के अंदर भी वो स्किल्स डेवलप हो जाएंगे, बच्चे की वोकैबुलरी बहुत एनहांस हो जाएगी। और द मोर वर्ड्स अ चाइल्ड यूज इन द सेंटेंस द मोर सोफिस्टिकेटेड द चाइल्ड लैंग्वेज डेवलपमेंट, जितने ज्यादा शब्द वो यूज करना सीखेगा इस उम्र में, उतनी ज्यादा उसकी भाषा की जो डेवलपमेंट है, भाषा का जो विकास है, वो अच्छा हो जाएगा। पेरेंट्स, सिबलिंग्स, पीयर्स, टीचर्स एंड मीडिया प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर द प्री स्कूलर्स टू इंक्रीज देयर वोकैबुलरी। हमारे घर में हमारे पेरेंट्स तो होते ही हैं, उसके अलावा हमारे, क्योंकि इस एज में जो तीन साल दो या तीन साल से लेकर 7 साल की उम्र होती है, बच्चा कब से कब तक, जब वो केजी से
फर्स्ट क्लास तक आ जाता है या सेकंड क्लास तक आ जाता है, इस पूरे स्टेज में जो बच्चा है वो स्कूल जाना शुरू कर देता है, तो स्कूल में उसको मिलते हैं पीयर्स, अपने साथ बैठने वाले बच्चे, अपनी उम्र के बच्चे, और उनके साथ साथ उनके सिबलिंग्स होते हैं, भाई बहन होते हैं घर में, और पेरेंट्स होते हैं, और टीचर्स भी होते हैं स्कूल में, और इसके अलावा मीडिया जो टीवी में आप देखते हो, बच्चे जो टीवी में कार्टून देखेंगे या टीवी में कोई भी चीज चल रही है उससे वो वर्ड्स को कैच करते हैं। और इसी उम्र में आप देखोगे बच्चे ना कोई गलत वर्ड बोलना सीख जाते हैं, जैसे उनको घर में सिखाया गया है कि बेटा गलत वर्ड नहीं यूज करने, पर वो स्कूल जा रहा है, स्कूल जाके वो बच्चा कोई वर्ड सीख कर आता है नया और वो गलत वर्ड यूज करना शुरू कर देता है, तो पेरेंट्स देखेंगे कि बच्चा बहुत जल्दी कैसे कैसे वर्ड्स कैच कर रहे हैं। सो इस उम्र में अगर आप बच्चों की लैंग्वेज पे ध्यान दो खास करके, तो वो ज्यादा बेटर रहेगा, आप उनकी लैंग्वेज को अच्छा कर सकते हो। और साथ साथ अगर इस उम्र में ध्यान ना दिया जाए तो बच्चे की जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है उस पर काफी ज्यादा प्रभाव पड़ सकता है आगे चल के, क्योंकि बच्चे का लैंग्वेज डेवलपमेंट रुक जाएगा। और consequently the acquisition of the language occurs within a social and cultural context। हम ये कह सकते हैं कि जैसा कि Vygotsky कहते हैं कि जो भाषा होती है वो समाज में सीखी जाती है, सो क्योंकि यहाँ पर टीचर्स का, पेरेंट्स का, हमारी फैमिली का, इन सब का प्रभाव पड़ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि भाषा जो सीखना है, भाषा का जो acquisition है वो कहाँ होता है, वो cultural setting में, यानी कि हमारे समाज में होगा, हमारे कल्चर से होगा। ये आ गई हमारी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात, जिसमें थोड़ी सी लैंग्वेज डेवलपमेंट देख ली थी। अब हमें देखना है एक चीज और, कॉग्निशन और लैंग्वेज में क्या रिलेशन है। हमने पढ़ा था कॉग्निशन क्या होता है, कॉग्निशन मतलब कि हमारा संज्ञान, और लैंग्वेज मतलब कि हमारी भाषा। सो हमारा जो लैंग्वेज है और जो हमारा कॉग्निशन है, इनके बीच में ना एक डायरेक्ट लिंक होता है। जो हम सोचते हैं उसको सोचने के लिए हमें भाषा चाहिए। जैसे मैं सोच रही हूँ कुछ कि मैंने ये काम करना है, तो ये करना है तो मैंने उसको सोचा, कैसे सोचा, लैंग्वेज के थ्रू, ठीक है। और साथ ही साथ जब मेरा दिमाग का डेवलपमेंट होगा तभी मैं भाषा सीख सकूंगी। जब बच्चा पैदा होता है तब वो बोलना नहीं सीख सकता, क्योंकि उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट नहीं हुआ होता, और अगर उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट नहीं होगा वो लैंग्वेज नहीं सीख पाएगा, और साथ ही साथ अगर उसका लैंग्वेज का डेवलपमेंट नहीं होगा तो वो अपने कॉग्निशन को भी बढ़ा नहीं सकता, वो अपने सोचने की क्षमता को भी नहीं बढ़ा सकता। सो ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं और एक दूसरे को हेल्प करते हैं बढ़ने में। लैंग्वेज डेवलपमेंट इज द मेन कंसर्न इन द अर्ली चाइल्डहुड। लैंग्वेज इज द ओनली पावरफुल टूल टू एनहेंस द एबिलिटी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। अ गुड लैंग्वेज ऑलवेज अलाउज द चाइल्ड टू कम्युनिकेट और इंटरैक्ट विद अदर पर्सन्स एंड सॉल्व देयर प्रॉब्लम। एट द एंड ऑफ एज 7 द चिल्ड्रन आर एबल टू डेमोंस्ट्रेट सम बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ लेस कॉन्क्रीट कॉन्सेप्ट्स इंक्लूडिंग टाइम एंड मनी। बच्चों को सेकेंड क्लास में या थर्ड क्लास में स्टेटमेंट समझ मिलने लग जाते हैं, जैसे कि इफ यू हैव 15 पेंसिल्स एंड यू गिव 2 पेंसिल्स टू योर फ्रेंड, हाउ मेनी पेंसिल्स डू यू हैव। सो यहाँ पर आप सब्ट्रैक्शन बच्चे को सिखा रहे हो और साथ साथ स्टेटमेंट के समझ सिखा रहे हो, लेकिन ऐसे वाली चीजों में यहाँ पे या फिर जहाँ पे टाइम आ जाता है, मनी आ जाता है, ऐसा कॉन्सेप्ट आ जाता है टाइम से रिलेटेड कि जब बड़ी वाली सुई 12 पे है, छोटी वाली सुई 4 पे है, तो क्या टाइम हो रहा होगा। ऐसे वाले जब कॉन्सेप्ट, टाइम से रिलेटेड कॉन्सेप्ट आप बच्चों को सिखाओ, या पैसे से रिलेटेड कि अगर आपने 2 रुपए किसी को दिए और आपने इतने रुपए की चीज खरीदी तो कितने पैसे आपके पास वापस आए, ये कॉन्सेप्ट बच्चों के लिए ना सीखने थोड़े मुश्किल हो जाते हैं, क्योंकि उनका अभी बहुत ज्यादा लैंग्वेज डेवलपमेंट स्टेज तक नहीं होता। आने वाले टाइम में, मतलब बच्चा जब थोड़ा बड़ा हो जाएगा, 10 साल, 12 साल, 14 साल, इस एज में बच्चे की लैंग्वेज डेवलपमेंट अच्छी हो जाती है, तो साथ साथ वो इन कॉन्सेप्ट्स को आसानी से हल कर सकता है। तभी शुरुआत में हर बच्चा मैथ्स में ये जो स्टेटमेंट सम्स होते हैं उसमें अच्छा नहीं होता, क्योंकि बहुत बच्चों की लैंग्वेज डेवलपमेंट अभी अच्छी नहीं हुई होती, और लैंग्वेज ही कॉग्निशन में हेल्प कर रहा है। अब आप देखो, अगर आप भाषा सीख गए तो आपको समझ आएगा कि क्या लिखा है किताब में, ठीक है। और ऐसे ही क्योंकि आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो गया तभी आपकी भाषा अच्छी हो गई, तो लैंग्वेज और कॉग्निशन एक दूसरे के साथ हाथ मिला के चलेंगे, मतलब कि साथ साथ बढ़ेंगे। जब लैंग्वेज बढ़ेगा तो कॉग्निशन भी बढ़ेगा। अब अगर हम सोशो इमोशनल डेवलपमेंट की बात करें, तो जो सोशो इमोशनल डेवलपमेंट है, यानी कि सामाजिक और जो हमारा भावात्मक विकास है, उसकी स्टेज अगर हम देखें, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेज है यही वाली। क्यों बता रही हूँ, क्यों इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा? पहली चीज, पेपर में आती है और इसके अंदर से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, प्लस सोशल डेवलपमेंट को स्टडी करना एक टीचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप स्कूल में जा रहे हो और आपके सामने 10-15 बच्चे बैठे हैं और आप हर एक बच्चे को देखो, हर एक बच्चे का इमोशनल डेवलपमेंट अलग है, हर बच्चा अलग तरीके से आया है, अलग सोसाइटी से आया है, तो हर बच्चा आपके लिए अलग किताब है। तो इसीलिए आपके लिए सोशल इमोशनल डेवलपमेंट को स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस स्टेज में बच्चे जो होते हैं उनको प्ले एज का ग्रुप माना जाता है। पेपर में आ सकता है कि क्यों इस एज को प्ले एज कहा जाता है,
या किस एज को प्ले एज कहा जाता है? सो सबसे पहली बात, अर्ली चाइल्डहुड को प्ले एज कहते हैं और क्यों कहते हैं? क्योंकि साहिर सी बात है, बच्चा खेले जाएगा, खेलेगा, नए फ्रेंड्स बनाएगा, और यहाँ पर प्ले की जो बात हो रही है ये बच्चा अपने पीयर्स के साथ करेगा और अपने साथ भी, मतलब अपने तो होता ही है, अपने जो टॉयज के साथ खेल रहा था वो तो होगा ही, प्लस इसमें वो पीयर्स के साथ भी थोड़ा बहुत, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत पीयर्स के साथ भी, क्योंकि वो जा रहा है तो प्ले, इसलिए भी इसको कहा जाता है। चिल्ड्रन ऑल्सो प्ले गेम्स ऑफ मेक बिलीव यूजिंग एन एम्प्टी बॉक्स। अब जैसे बच्चा जो है ना इस बॉटल को कहेगा ये मेरी कार है, या इस पेन को बोलेगा ये मेरा बैट है, तो वो ऐसी चीजों को ना लेट करेगा कि ये मान लेते हैं ये हमारा हवाई जहाज है, तो ऐसे करेगा, प्ले करेगा गेम्स को, मेक बिलीव प्ले, जिसमें क्या करेगा एक एम्प्टी डब्बे को ले लेगा, खाली डब्बे को लेगा और कहेगा ये कार है। प्लेइंग विद द फैमिली, जैसे ब्लिंग फैमिली मतलब बच्चों के साथ, अपने भाई बहनों के साथ, अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ, और साथ साथ नर्चरिंग इमेजिनरी फ्रेंडशिप्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इमेजिनरी फ्रेंडशिप्स, मतलब बच्चे ना अपने आप से कहानियां बनाते हैं कि मम्मी मेरा एक दोस्त है, और इमेजिनेशन में ही वो सोच रहे होंगे कि मेरा एक दोस्त है उसका ये नाम है, ऐसा कोई फ्रेंड एग्जिस्ट नहीं करेगा, और बच्चा जो है वो अपने आप से अपने दोस्त बनाएगा दिमाग में कि मेरा एक दोस्त है उसका ये नाम है। सो यहाँ पर इमेजिनरी फ्रेंडशिप्स होती है बच्चों की। Much like adults, preschool children tend to develop friendships with the children who share common interest. मतलब कि इस उम्र के जो बच्चे हैं वो अपने जैसे बच्चों के साथ ही दोस्ती करना पसंद करते हैं, वो अलग अलग, मतलब अपने जैसे बच्चे जो उनके जैसे सोचते हैं उनको पसंद करते हैं। They are likable and support and are similar in size and looks. मतलब वो दिखने में भी उनके जैसे हो, साइज में भी उनके जैसे हो, मतलब बहुत ज्यादा देखोगे आप बच्चों को, जो थोड़े मोटे बच्चे होंगे या बिल्कुल पतले वाले बच्चे होंगे उनको कोई फ्रेंड नहीं बनाता, ऐसा होता है। बच्चे बहुत ज्यादा ना चूजी हो जाते हैं इस एज में, उनको ये होता है कि हमारे जैसा दिखने वाला, या जो बिल्कुल सुंदर दिखे, या जिसकी बातें करने का तरीका हमारे जैसा है, उसी को दोस्त बनाया जाता है। चाइल्डहुड फ्रेंडशिप्स क्रिएट अपॉर्चुनिटीज फॉर द चिल्ड्रन टू लर्न हाउ टू हैंडल एंगर प्रोवोकिंग सिचुएशंस। इस उम्र का जो बच्चा है वो जो उसकी फ्रेंडशिप्स होती है, जो दोस्ती करता है, वो उससे काफी चीजें सीखता है। जब हम दूसरे के, एक दूसरे के फ्रेंड्स बनेंगे तो हम आपस में एडजस्ट करेंगे, हमारा जो एंगर है या जो हमारा टेंट्रम है हम उसको भी कंट्रोल करेंगे, हमारा जो गुस्सा आता है हमें उसको भी हम कंट्रोल करेंगे। बच्चा शेयर करने की भावना को सीखेगा, स्कूल जाएगा अपना लंच शेयर करेगा दूसरे बच्चों के साथ, और साथ साथ वैल्यूज भी सीखेगा कि वैल्यू करना एक दूसरे की, इंपॉर्टेंस का, एक दूसरे को इंपॉर्टेंट समझना, इंपॉर्टेंस देना एक दूसरे को, ऐसे बहुत सारे बिहेवियर्स उनके स्वभाव में बदलते हुए आपको दिखेंगे। जैसे आप बच्चे को घर में सिखाते हो कि बेटा आपको झूठ नहीं बोलना या आपको दूसरे बच्चे को मारना नहीं है, स्कूल जाकर बच्चा ये चीजें अपने आप सीख जाता है, क्योंकि बच्चा जो है इस उम्र में जो बच्चा है उसकी वैल्यू सिस्टम डेवलप हो रहा है, वो आपस में खेलेंगे कूदेंगे सीखेंगे, आपस में सीखते हैं, क्योंकि ये वाला फेज हमारा सोशल इमोशनल का स्टेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। Children whose parents separated earlier between the age of 3 to 7 were more likely to experience mental health problems either in the short term or later on. अभी पीछे भी हमने डिस्कस किया था, इस उम्र के जो बच्चे हैं फैमिली का जो अनफॉर्चुनेट फैमिली सिचुएशंस होते हैं उसका उनके हेल्थ के ऊपर बहुत प्रभाव पड़ता है। अब आप देखो बच्चे के सामने माँ बाप लड़ते हैं और उनके सामने माँ बाप के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, वो दो लोग जो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उन्हीं की लड़ाई आप अपने सामने होते हुए देखोगे, तो आपका जो मेंटल हेल्थ है उस पर भी प्रभाव पड़ेगा, आपका जो वेलबींग है उस पर प्रभाव पड़ेगा। सो एक हम ये कह सकते हैं कि शॉर्ट टर्म के लिए या फिर मतलब लंबे समय तक भी अगर इस उम्र के जो बच्चे हैं वो ये चीज देख लेते हैं तो एक लंबे समय तक उनकी लाइफ में दिक्कत चल सकती है। अगर ये सारी जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो बाद के स्टेजेस में आए, मतलब बच्चा बड़ा हो जाए अडल्टहुड में आ जाए तब उसकी लाइफ में भी इतनी प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन अगर इस उम्र का बच्चा अपने माँ बाप को लड़ते हुए देखे या उनकी सिचुएशन ऐसी सिचुएशन फैमिली में अनबन हो फैमिली में तो ऐसी चीज देखे तो उसका मेंटल हेल्थ काफी हद तक खराब हो सकता है। साइकाइट्रिस्ट फ्रैंक पुटनाम ने क्या बोला है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने क्या बोला है, सपोर्ट्स दिस व्यू ऑफ डिसऑर्डर्स एटियोलॉजी, यंग चिल्ड्रन फेस्ड विद सीवियर सेक्सुअल और फिजिकल अब्यूज और निग्लेक्ट हैव नो इफेक्टिव वे ऑफ फाइटिंग और अवॉइडिंग द ऑफेंडर टू एस्केप पेनफुल रियलिटी, द ओनली टूल अवेलेबल ड्यूरिंग द अब्यूजिव इंसिडेंट इज दैट ऑफ डिसोसिएशन, सेपरेटिंग माइंड फ्रॉम द फिजिकल एक्सपीरियंस प्रोवाइड द सेंस ऑफ प्रोटेक्शन। अब देखिए बच्चा जो है वो अभी सोशल इमोशनल स्टेज में है और अभी इसके धीरे धीरे जो इमोशनल इमोशंस है वो डेवलप हो रहे हैं, इमोशनल डेवलपमेंट हो रहा है
और साथ साथ धीरे धीरे सोशल डेवलपमेंट हो रहा है, बहुत ज्यादा अर्ली स्टेजेस में है ये। तो अगर इस स्टेज में जो बच्चा है, अगर अभी उसके साथ कुछ गलत हो, फिर कोई फिजिकल अब्यूज हो जाए या कोई कोई गलत ट्रॉमेटिक इंसिडेंट हो जाए, कि जैसे उसने वायलेंस देख लिया घर में, जैसे घरों में वायलेंस होता है, डोमेस्टिक वायलेंस हो, या बच्चे को बहुत ज्यादा किसी ने बच्चे पर बहुत वायलेंस किया हो, या बच्चा कहीं खो गया और कहीं इधर उधर चला गया और वहां से वो ट्रॉमा में आ गया, तो इस सिचुएशन में जो बच्चा है उसकी सोशल वेलबींग काफी हद तक खराब हो सकती है। काफी सारे बच्चे पूरी जिंदगी ऐसे ट्रॉमास में रहते हैं, और कुछ बच्चों के केसेस में क्या होता है कि ऐसे ट्रॉमा से बाहर निकलने के लिए क्या होता है, हमारा एक डिफेंस मैकेनिज्म होता है जिसमें क्या होता है कि हम अपनी पर्सनैलिटी को ही चेंज कर लेते हैं। सो अगर मान लेते हैं कि मैं एक पर्सन ए हूँ, तो मैं अपनी इस अस्तित्व को, क्योंकि ये वाला ए जो इंसान है उसके साथ ट्रॉमा हुआ, तो मैं अपने अस्तित्व को भुला कर बी बन जाऊंगी और मेरा नाम चेंज हो जाएगा, मेरा जो पूरा तरीका है बात करने का, हर चीज, मेरी पूरी की पूरी पर्सनालिटी, मैं अपना नाम बदल लूंगी, अपना कपड़े पहनने का तरीका बदल लूंगी, अपनी ए टू जेड सारी चीजें बदल लूंगी और मैं एक आइडेंटिटी बी में कन्वर्ट हो जाऊंगी। और टाइम के साथ साथ क्या होता है कि ये जो डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर जिसकी मैं बात कर रही हूँ, टाइम के साथ साथ ये और पर्सनालिटीज में स्प्लिट हो जाते हैं, मतलब ए से बी, बी से सी, सी से डी, ऐसे कई सारे केसेस हैं जिसमें लोगों की इतनी सारी पर्सनालिटीज हैं और वो आज तक अपनी पर्सनालिटीज के बारे में नहीं जानते कि उनके अंदर इतनी पर्सनालिटीज हैं। तो ये सब क्यों होता है, क्योंकि इस स्टेज में जो बच्चा है वो इनिशियल स्टेजेस ऑफ सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट में है। सो अगर इस स्टेज में बच्चा जो है वो अच्छे से, उसको राइट एटमॉस्फेयर नहीं मिला, तो उसका ये डीआईडी वाली सिचुएशन हो सकती है, यानी कि डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर। इसके बारे में आपने कई मूवीज में देखा होगा, जैसे भूल रही है जैसी मूवीज में, तो उस ऐसी सिचुएशन में जो बच्चा है ट्रॉमेटिक इंसिडेंट से निकलता है और उसके बाद क्या होता है कि ऐसी सी सिचुएशन उनके साथ हो सकती है। इसलिए मैंने बोला था कि ये स्टेज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेज है सोशल इमोशनल डेवलपमेंट की। अब आज का जो लेसन था, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट डाउन करके बताइए कि हम क्या करें, क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, क्या आपको अच्छा लगा वीडियो में ये भी बताएं। और अगर यूपीटेट से या सीटेट से रिलेटेड हमें कोई भी नई लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती है, आपको हमारे चैनल पे वो मिल जाएगी। और आई होप आप लोग पढ़ रहे होंगे और मोटिवेटेड होंगे। और अगर इन केस आपको कोई डाउट है, तो एक टेलीग्राम चैनल भी है हमारा, आप उस पर कमेंट डाउन करके या कोई भी अपना डाउट क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।